हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है श्रेयश और आप देख रहे हो मेरे साथ रश्वित श्रेयश। तो मैं अपनी एक ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में जो आप में से बहुत लोगों को पता ना हो शायद, और जो आप लोग को थोड़ा अमेजिंग फैक्ट्स बता सके। तो मैं ये मेरे सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली वीडियो होने वाली है 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। जापान की पॉपुलेशन अराउंड 12.80 करोड़ है अराउंड 2018 के सेंसस के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। तो जो हमारा सबसे पहला फैक्ट है वो है जापान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। हाँ, जापान में सबसे कम क्राइम रेट है अगर कंपेयर करा जाए बाकी एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर चाइना, इन सब से भी कंपेयर करें तो जापान में सबसे कम क्राइम रेट है। यूजुअली वहाँ पे लोग जो चुराते हैं वो होती है स्टेशन के बाहर से साइकिल या फिर बैग से कुछ, पर वहाँ पे यूजुअली लोग इतना सेफ फील करते हैं कि कभी कभी वो अपने घर के दरवाजे भी बंद नहीं करते हैं और वो ऐसे ही चले जाते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेशन के बाहर लोग सो रहे होते हैं अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के या बैग ऐसे ही बगल में रख के, क्योंकि उन्हें इसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती कि उनका कोई सामान चुराए। तो जापान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। जो हमारा दूसरा फैक्ट है वो है जापान में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं। हाँ, जापान में हर एक कॉर्नर, हर जगह, और जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ तो लाइक हर एक किलोमीटर की रेंज में एक आपको वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जिनके लिए उनको अलग से सेल्समैन या फिर कोई कीपर या फिर मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो फिर ये बहुत अच्छा है कि जापान में हर जगह और सबसे ज़्यादा जापान में ही वेंडिंग मशीन मिलती हैं आपको। थर्ड फैक्ट है वो है कि जैसा कि आपको पता है कि जापान एक आइलैंड कंट्री है और जापान में टोटल 6,800 से भी ज़्यादा आइलैंड है। हाँ, 6,800 से भी ज़्यादा आइलैंड है। जो जापान के फोर मेन आइलैंड हैं वो एक सेकंड वो हैं होनशू, होकाइडो, क्यूशी एंड शिकोको, जो 97% उनका पूरा लैंड एरिया बना देते हैं। चार बड़े मेन लैंड आइलैंड्स जापान के। जो हमारा चौथा फैक्ट है वो है टुकलिन इज़ अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स जैसे डोरेमोन या फिर निंजा हथौड़ी, इन कार्टून में आपने देखा होगा कि जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वो लोग अपने बच्चे खुद ही अपना स्कूल क्लीन करते हैं। तो जी हाँ, ये बात है बिल्कुल सच है। जापान में स्टूडेंट्स को अपने डे ख़त्म होने के बाद खुद ही अपना क्लासरूम और टेबल चेयर ये सब साफ़ करना होता है। तो ये भी एक उनके एजुकेशन का पार्ट है जापान। और हमारा पांचवा फैक्ट है वो है कि फ्रूट्स आर वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट टू गिफ्ट इन जापान। हाँ, तो जापान में लोग एक दूसरे को फ्रूट्स गिफ्ट करना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जापान में फ्रूट्स खरीदना एक लग्जरी माना जाता है। वहाँ पे फ्रूट्स इतने सस्ते नहीं होते हैं, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को बर्थडे पार्टीज़ और इन सब में प्रेजेंट करने के लिए फ्रूट्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं गिफ्ट करने के लिए। तो जो हमारा सिक्स्थ फैक्ट है वो है जापान में 3,000 से भी ज़्यादा मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं। 3,000 बेसिकली जापान सेकेंड नंबर पर आता है मैकडोनल्ड्स आउटलेट्स में, क्योंकि USA में जापान से ज़्यादा हैं मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स पर। लेकिन जापान USA के कंपैरिजन में एक बहुत छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन भी कम है, और उसमें 3,000 से मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स होना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा सिक्स्थ फैक्ट है। तो जो हमारा सेवन्थ फैक्ट है वो है कि मोस्ट ऑफ द जापानीज पीपल प्रेफर्ड रेडीमेड एंड 2 मिनट्स मेड फूड फॉर द लंच एंड डिनर। तो जैसा कि आपको पता है कि जापान में लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक होती है, तो इसमें वो लोग अपना लंच डिनर ये सब प्रिपेयर करने का उनको टाइम नहीं मिलता है। तो फिर वो अपने साथ सुबह जब अपने वर्क के लिए निकलते हैं तो अपने साथ हॉट वाटर एक केटल में या बॉटल में करके ले जाते हैं, और फिर वो लोग वहीं से रेडीमेड नूडल्स या फिर कुछ भी रेडीमेड आइटम जो आता है उसमें वाटर मिला के उसे खाते हैं। तो ये वहाँ पर बहुत कॉमन है रेडीमेड फूड खाना जापान में। तो जो अब हमारा नंबर 8 फैक्ट है वो है जापान में लिटरेसी रेट अराउंड 100% के अराउंड है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी कंट्री को कंपेयर करें अगर हम लोग तो। जापान वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज में से एक है। तो जो हमारा 9th फैक्ट है वो है जापान में लोग एक साल में 17 मिलियन टन से भी ज़्यादा फिश कंज्यूम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा है और जो किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में जापानीज़ में सबसे ज़्यादा है फ़िश ईटिंग में। जो हमारा अब लास्ट फैक्ट है और 10th फैक्ट है वो है टोक्यो इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगता था कि न्यूयॉर्क, LA या फिर बीजिंग हो सकती हैं सबसे बड़ी सिटीज़ इन द वर्ल्ड, पर टोक्यो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो टोक्यो का टोटल लैंड एरिया है अराउंड 377,900
15 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो ये कि उसको बनाता है वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस सीरीज़ में, फैक्ट सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री या किस चीज़ पे चाहिए, तो उस पर मैं ट्राई करूँगा बनाने का। तो दैट्स इट, थैंक यू।